गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू आज हमारा सेकंड सीरीज है जो हमारा करंट अफेयर है जुलाई से दिसंबर का आज इसको हम खत्म करेंगे सितंबर तक या अक्टूबर तक आज हमारा खत्म हो जाएगा तो चलिए कल हमारी बारह न्यूज हो चुकी थी डिस्कशन आज हमारी थर्टीन न्यूज है रेस प्रोग्राम रेस प्रोग्राम क्या है पहली बार फॉर एलेंस पॉइंट ऑफ व्यू सीरीज चल रही है पूरी हमारी तो ये जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने इसको इंट्रोड्यूस किया है और इसका काम क्या रेस का फुल फॉर्म है आर फॉर रेट्रो ऑफ ए फॉर एयर कंडीशनिंग टू आई फॉर इंप्रूव इंडोर एयर क्वालिटी फॉर एस फॉर सेफ्टी एंड ई फॉर एफिशियंसी टोटल है रेस प्रोग्राम जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने इनिशिएटिव किया है इसका बेसिकली पर्पस यह है कि जो हमारे घर में जो इंडोर क्वालिटी आती है इनडोर एयर क्वालिटी आती है जो घर के बाहर की एयर क्वालिटी तो हमारी ख़राब ही है जो हमारे घर में एयर क्वालिटी अंदर होती है उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए उसकी हम कैसे रेट्रोफिटिंग की जाए जैसे कि उन्होंने बोला कि जो आजकल की जो एसियाँ आती हैं वो ए सी भी उन्होंने बोला जो एयर कंडीशनिंग जो आती है अब आप देख रहे हैं कि पहले जो मिनिमम टेम्परेचर कर देते थे हम लोग सोलह कर देते थे सोलह की हमको बेटर कूलिंग मिले सारी चीज़ें मिलें चाहे वो ऑफिसिज हों चाहे वो हमारे पर्सनल होम स्पेस हो हम हर जगह ये करते थे ताकि हमको क्या बेटर कम्फर्ट मिले तो इससे क्या होता था कि इसमें बहुत ज़्यादा सी एफ सी गैसेस होती थी किसमें ए सी में एयर कंडीशन में तो वो कहीं ना कहीं हमारी ओजोन की लेयर जो है उसको कहीं ना कहीं डेप्लीट करती थी और वहाँ ओजोन होल बनाती थी तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत थी तो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि बाय डिफॉल्ट जब अब वो ए सी रहेंगी अब वो मिनिमम चौबीस या पच्चीस डिग्री है उससे नीचे जाएगा ही नहीं टेम्परेचर तो अब दूसरा सोल्यूशन क्या है भैया आप चौबीस पच्चीस डिग्री से तो आप कम कर नहीं सकते तो बेटर ये है कि अब जो आपका जो अंदर का जो इन्वायरमेंट है जो इंडोर का जो इन्वायरमेंट है उसको आप बेटर से बेटर कर सको तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने ये किसका मिनिस्ट्री ऑफ पावर का मैंने बताया था आपको ई सी एल

रेसिडेंशियल uh, हो वहाँ पे हमारा जो वेंटिलेशन सिस्टम है वो बहुत बेटर किया जाएगा ये सारा प्रोग्राम किसके अंदर किया जा रहा है मैत्री प्रोग्राम के अंदर चाहे वो इंडोर एयर क्वालिटी मैंने वही कहा आपको चाहे वो ऑफिस की एयर कंडीशनिंग चाहे वो आपकी कुछ भी हो उस हिसाब से किया जा रहा है ताकि हमारा जो एनर्जी कंजर्वेशन हो वो भी हो और बेटर से बेटर हो आपका काम ई मैंने बताया मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर एक इंटरप्राइज़ है जो साथ में और कई इसकी इंटरप्राइज हैं जैसे कि आपके एन हो गई पावर ग्रिड हो ये सब इसमें साथ में काम करती है मित्री प्रोग्राम मैंने बताया हूं इंडिया का और यूएसए का बायलेटर प्रोग्राम है नेक्स्ट <coughs> हमारा दूसरा आज का न्यूज है पापम पापम रिजर्व फॉरेस्ट पीआरएफ इसका जो इंपॉर्टेंट है अभी हाल में एक सैटेलाइट से सर्वे किया गया और उसमें बोला गया ये जो तो पापम रिजर्व फॉरेस्ट है इसमें बहुत डिफॉरेस्टेशन हो रहा है बहुत ज्यादा यहाँ पे पेड़ों की कटाई की जा रही है ये इंपॉर्टेंट ये है कि एक तो ये अरुणाचल प्रदेश में है और अरुणाचल प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व के बगल में जो मैंने आपको कल बताया था पके टाइगर रिजर्व पके टाइगर रिजर्व जिसको हम पखु टाइगर रिजर्व भी बोलते हैं

पपम रिजर्व फॉरेस्ट में एक बहुत बर्ड रहता है जिस बर्ड का नाम है हॉन बिल हॉर्नबिल बहुत इंपॉर्टेंट बर्ड्स है फॉर यस पॉइंट ऑफ व्यू हॉर्नबिल फेस्टिवल भी मनाया जाता है नागालैंड में और हॉर्नबिल कई स्टेटों का क्या है स्टेट बर्ड भी जैसे केरला का है अरुणाचल प्रदेश का है ये यहाँ का क्या है आपका स्टेट बर्ड भी है ठीक है और ये क्रिटिकल इंडेंजर्ड तो नहीं है लेकिन हाँ आई में इसको लीस्ट कंसर्न या वलनरेबल uh, की वलनरेबल में है ये और जो हमारा साइट्स का जो अपेंडिक्स है उसके ये वन लिस्ट में आता है जो साइट्स का अपेंडिक्स वन है जहाँ प्रोटेक्शन दी जाती है उसमें ये अपेंडिक्स वन में आता है ठीक है तो ये इसकी पूरी जानकारी थी आपकी किसके लिए कि आपका जो अः जो पा, पापुम टाइगर रिजर्व है मैंने कहा पाके टाइगर रिजर्व के आसपास है आपका और जो बेसिकली यहाँ पे जो डिफॉरेस्टेशन रेट है बहुत ज्यादा बढ़ रहा है उससे क्या हो रहा है बहुत ज्यादा यहाँ पे जो बर्ड की डाइवर्सिटी है बर्ड की डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा खतरे में है और उस बर्ड की डाइवर्सिटी में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है हमारा हॉर्नबिल ये देख लीजिए हॉर्नबिल हॉर्नबिल जो बर्ड्स होते हैं वो इस टाइप के होते हैं थोड़ी सी आगे लॉन्गेटेड उनकी थोड़ी सी ये चोच होती है और ये पूरा का पूरा इनका ये देख रहे हैं आप ये हॉर्नबिल फेस्टिवल है ये मिलते कहाँ है नॉर्थ ईस्ट में है ये नागालैंड में इस पर एक फेस्टिवल बनाया जाता है जिसको बोला जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में और मैंने कहा आपको केरला के यहाँ के क्या स्टेट बर्ड है ठीक है साइंटिफिक नेम क्या है इसका ब्यूकोरो टाइडी ठीक है और मिलते कहां ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में अफ्रीका में और एशिया में ये मिलते हैं ठीक है इंडिया में भी इसकी कई सारी स्पीशीज है लेकिन इंडिया में जो सबसे इंपॉर्टेंट है जो नॉर्थ ईस्ट में मिलती है वो क्या मिलती है हॉर्नबिल ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल इसका फेस्टिवल मैंने बताया नागालैंड में बनता है ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल फेस्टिवल का ठीक है फिर उसमें मैंने बोला कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो यहाँ की ट्राइबल एरिया नॉर्थ ईस्ट की खास तौर से नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश की वहाँ के ट्राइबल एरिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ इसको <coughs> एज अ रिलीजियस मानते हैं इसको पूछते हैं कंजर्वेशन स्टेटस मैंने कहा कि ये नियरली थ्रेटेड या वलरेबल है लीस्ट कंसर्न है अभी कोई ज़्यादा इसमें आ, वो नहीं है ये और अपेंडिक्स वन की मैंने बताया साइट्स की अपेंडिक्स वन में है केरला और अरुणाचल प्रदेश का ये स्टेट बर्ड है और म्यांमार का भी स्टेट बर्ड है ठीक है फिर आते हैं दोस्त हमारी अगली न्यूज है वो है वर्ल्ड बायोफ्यूल डे बायोफ्यूल डे हर साल मनाया जाता है दस अगस्त में पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है इस बार जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने जो बनाया उस टाइम पे 2020 की जो उन्होंने थीम दी है वो दी है बायोफ्यूल टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत ये इंपॉर्टेंट है बायोफ्यूल बायो गैस बायो एनर्जी ये सब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि अभी हम लोग बहुत ज्यादा किस पे जा रहे हैं रिनेबल एनर्जी पे जा रहे हैं जहां पे हम खुद से ऐसी एनर्जी बना रहे हैं जो सस्टेनेबल हो ग्रीन हो और वो हमारे इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो तो ये

और उन्होंने कहा था कि इस ऑयल को भी हम एज अ इंजन ऑयल बना सकते हैं 1893 का ये एक्सपेरिमेंट था किसका सर रिडॉल्फ डीजल का इन्होंने बोला था कि हम कैसे न कैसे बायोफ्यूल को भी यूज़ कर सकते हैं अपना क्या जो हमारे कन्वेंशनल फ्यूल होते हैं जैसे पेट्रोल और डीजल से गाड़ी चलती है उसी हिसाब से उन्होंने कहा बायोफ्यूल भी एक प्रकार का फ्यूल हो सकता है जिसको हम रन करा सकते हैं तो बायोफ्यूल क्या है बेसिकली ऐसा कोई भी हाइड्रोकार्बन फ्यूल जो डिराइव uh, होता है कुछ ऑर्गेनिक मैटर से ऑर्गेनिक मैटर मतलब कि मान लीजिए कोई गन्ने गन्ना का जो बचा रहता है जो उसका वेस्टेज होता है उससे कोई बन गया हो या फिर आपका जो मैंने आप बोला कल पैडी क्रॉप थी जो पराली थी उसको हम यूज़ कर सकते हैं या फिर जट्रोफा कॉटन कुछ भी इस टाइप से जो वेस्टेज मटेरियल होता है उससे हम कुछ बचा के जैसे आपके घरों से जो कचरा उठाया जाता है जो गीला कचरा सूखा कचरा उससे भी हम बायोफ्यूल बना सकते हैं या जो वेस्टेज होता है सीवेज का उससे हम बायोफ्यूल बना सकते हैं कुल मिला के हम जो बनाने का तरीका होना चाहिए वो ऑर्गेनिक होना चाहिए मतलब उसमें किसी भी टाइप का एक्सटर्नल सोर्स नहीं होना चाहिए मतलब कि ना ही कोई फर्टिलाइज़र ना ही कोई केमिकल ना ही कोई पेस्टिसाइड नहीं मिला होना चाहिए ना ही कोई ऐसा प्रोडक्ट मिलना चाहिए जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए खतरा है ऐसा कोई भी चीज नहीं होना हो चाहिए पेट्रोल हो, हो, या जो हम अदर फॉसिल फ्यूल यूज कर सकते हैं ट्रांसपोर्टेट ट्रांसपोर्टेशन के लिए उसको हमें हटाना है और कैसे भी हमने मैंने वही क्या क्रॉप्स को यूज कर सकते हैं हम ठीक है ऑयल कोई भी जो हमारे uh, जो बचा हुआ ऑयल रहता है उसको हम यूज कर सकते हैं कुछ भी हम यूज कर सकते हैं तो बेसिकली बायोफ्यूल को जनरेट करने के लिए अगर हम देखेंगे तो चार जनरेशन है जो हमको इंपॉर्टेंट है याद रखनी है फर्स्ट जनरेशन सेकेंड जनरेशन थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन फर्स्ट जनरेशन में हम बेसिकली जो शुगर या ऑयल या जो एनिमल फीड्स है उसको हम कन्वर्ट करके बायोफ्यूल में कन्वर्ट करते हैं बायोडीजल बनाते हैं बायोफ्यूल बनाते हैं बायोगैस बनाते हैं फर्स्ट जनरेशन में सेकेंड जनरेशन में हम क्या फर्स्ट जनरेशन में बेसिकली जो भी फूड क्रॉप्स होती हैं हम उसको कन्वर्ट करते हैं फूड क्रॉप जो खाने पीने की रहेगी सेकेंड जनरेशन में हम थोड़ा और टेक्नोलॉजी आई हमारे पास और हमने फिर इसको क्या किया नॉन फूड क्रॉप्स को भी हमने चेंज करना चाहा नॉन नॉन फूड क्रॉप जो हम नहीं खाते हैं उसको भी हमने कहीं ना कहीं किया जो हमारा वेस्ट रहता है उसको भी हमने किस में कन्वर्ट किया बायोफ्यूल या बायो एनर्जी में हमने कन्वर्ट किया जो थर्ड जनरेशन में उसने हमने क्या किया जो अलगाई होती है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उससे हमने कुछ बनाना चाह कि उससे भी हम कहीं ना कहीं बायोफ्यूल बनाया और अभी रिसेंट में फोर्थ जनरेशन में आई है जहाँ पे हम जेनेटिकली मॉडिफाइड भी बना सकते हैं जिससे बहुत एडवांस जनरेशन फ्यूल है ये इससे भी हम क्या बना सकते हैं बायोफ्यूल बना सकते हैं तो ये पूरी चार जनरेशन है जहाँ से हम बना सकते हैं पहली जनरेशन ठीक थी लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा क्या था कार्बन कंटेंट था क्योंकि ये फूड क्रॉप थी सेकेंड जनरेशन ठीक थी लेकिन ये कहीं ना कहीं नॉन फूड क्रॉप थी इतना ज़्यादा अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती अवेलेबिलिटी की दिक्कत थी तीसरी भी ठीक थी जो हमारी जो मैंने कहा अलगाई से और ये सारी चीज़ें कार्बन न्यूट्रल थी

ऑर्गेनिज्म और फोर जनरेशन जो रहेगी वो आपकी जेनेटिकली इंजीनियर्ड या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप से आप इसको बायोफ्यूल बनाएंगे इधर किसी कोई समस्या दोस्त फिर 2018 में एक हमारी बायोफ्यूल पॉलिसी भी आई है 2018 की बायोफ्यूल पॉलिसी भी आई है इसमें कहीं ना कहीं हमने कुछ टारगेट्स रखे हैं कि हमें कैसे प्रोड्यूस करना है बायोफ्यूल और ज्यादा ये मैंने पीडीएफ में अटैच है और पढ़ लीजिएगा मेंस पर्सपेक्टिव से रहेगी बाकी इसमें भी यही है कैटेगराइजेशन ऑफ बायोफ्यूल इसमें भी उन्होंने तीन जनरेशन तक किया लेकिन मैंने आपको फोर जनरेशन भी बताया जेनेटिकली मॉडिफाइड भी बताया इसमें ये बताया कि गवर्नमेंट कितना क्या खर्च करेगी पेट्रोल डीजल में भी हम कहीं ना कहीं यूज़ कर सकते हैं इसको तो सारी चीज़ें इसमें बताई गई कि हम कैसे इसको और ज्यादा यूज कर सकते हैं बायो एनर्जी को हम कैसे अवेयर कर सकते हैं बायो रिफाइनरी बना सकते हैं हम आने वाले टाइम में धीरे धीरे हम क्या कर सकते हैं टैक्स लगा सकते हैं ताकि इस पर हम ज्यादा जाए पेट्रोल डीजल पर पे ज्यादा टैक्स लगा सकते हैं ताकि इस पर चले जाए और जो बायो फ्यूल होते हैं बायो डीजल होते हैं इसको हम क्या करेंगे कहीं कही ना कहीं इसमें हम टैक्स के बेनिफिट देंगे ताकि लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें ठीक है तो इस हिसाब से पूरी पूरी पॉलिसी बनी थी 2018 में हमारी फिर अगली हमारी न्यूज़ जो कल भी मैं आपके साथ डिस्कशन कर चुका था बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट बायो मेडिकल बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट इसमें बेसिकली जो पूरे रूल होते हैं ये बायो मेडिकल वेस्ट रूल 2017 से रेगुलेट होते हैं कोई एक्ट नहीं है इसका लेकिन इसको जो गवर्निंग बॉडी रहती है वो होती है सी पी सी बी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इसमें वही मैंने जो कल आपको शायद बताया होगा कि आप जब भी कोई हॉस्पिटल या जो मेडिकल कोई भी आप जगह जाते हैं तो वहाँ पर आपको काफ़ी तरीके के वो मिलते हैं डब्बे मिलते हैं जिसमें अलग अलग तरीके का सेग्रीगेशन होता है जैसे ये आपका ब्लैक डब्बा जो रहता है वो डिस्पोजल का तो वहाँ पे आपका जो भी ड्रग एंड केमिकल वेस्ट होता है जो भी दवाई वगैरह रहती है वो सब इसमें डाले जाते हैं जो भी एक्स्ट्रा बची रहती है जो आपका रेड होता है उसमें कहीं ना कहीं जो इन्फेक्टेड डी कॉसिंग होती है या जो जो डॉक्टर्स वगैरह जो पहने रहते हैं वो कहीं ना कहीं डाल देते हैं पेशेंट की जो आ, बैडिंग रहती है पेशेंट के जो कपड़े रहते हैं वो रेड वाले प्लास्टिक कंटेनर में डाल दिए जाते हैं जो येलो वाला रहता है उसमें बॉडी के पार्ट्स जब ऑपरेशन होता है कोई सीजर होता है तो उसमें कोई बॉडी के पार्ट्स या जो अपर स्किन होती है या कुछ भी ऐसा जो वेस्टेज पार्ट होता है बॉडी का वो डाल दिया जाता है या पैथोलॉजिकल वेस्ट में डाल दिया जाता है जैसे कोई ब्लड ब्लड हो या इस टाइप से जो चीज़ें रहती हैं वो येल्लो कंटेनर में डाली जाती है जो ब्लू में रहता है ब्लू में जो डॉक्टर या नर्सेज जो यूज़ करती हैं जो उनके पहनने के ग्लव्स रहते हैं पी पी किट रहती है सीरिन जो लगाते हैं इंजेक्शन लगाते हैं या कोई भी और अदर प्लास्टिक वेस्ट हो जो सिरप या किसी की भी बॉटल जो खाली हो उसको डालते हैं और जो वाइट वाला रहता है उसमें शार्प ऑब्जेक्ट डालते हैं जो सीजेरियन रहते हैं या उनकी कोई नीडल्स रहती है या उनकी कोई कुछ भी ऐसी चीज़ें रहती हैं जो आ, नुकीली चीज़ें रहती हैं वो डालते हैं वाइट में तो ये सब की सब चीज़ें डालते हैं अब इसमें से कई चीज़ें क्या होती हैं रिसाइकल होती हैं कई चीज़ों को इतना अंदर डालते हैं ताकि उसमें कुछ इन्फेक्टेड ना निकले क्योंकि ये जो चीज़ें रेड और येलो में ये बहुत ज़्यादा क्या है इन्फेक्टेड है इनसे बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया वायरस निकल सकते हैं तो इनको क्या अंदर बहुत ज़्यादा बरी कर देते हैं ठीक है। इनको क्या है लैंड फिलिंग कर देते हैं जाके डंपिंग कर देते हैं ये वाला जो है प्लास्टिक वेस्ट इसको हम कहीं ना कहीं रिसाइकल कर सकते हैं और ये जो है इसको भी हम कहीं ना कहीं जाके प्रॉपर तरीके से डिस्चार्ज कर देंगे तो ये अलग अलग टाइप के वेस्टेजेस होते हैं जो हमको एक नॉर्मल पता होना चाहिए कि जो डब्बे रखे रहते हैं पांच टाइप के ब्लैक रेड येल्लो ब्लू और वाइट वो किस कौन से क्या उसमें जो वेस्टेजेस होता है बायोमेडिकल का या हॉस्पिटल का कहीं भी आप जाते हैं तो उसमें किस हिसाब से क्या क्या डलता है ये समझ में आया दोस्त किसी को डाउट बायोमेडिकल वेस्ट कैसे मैनेज किया जाता है यही मैंने आपको सारा बताया यहाँ पे भी वही सारी चीजें इसमें थोड़ा एडिशनल है द हिंदू की कटिंग है फोर कैटेगरी या मैंने आपको फाइव कैटेगरी बता दिया कि हमारे यहाँ जो बेसिकली है कि कितना ज्यादा इसमें दिल्ली का स्पेसिफिकली है कि दिल्ली में लगभग लगभग सौ टन बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट होता है डेली बेस पे सौ टन ठीक है उसमें से इसकी जो ट्रीटमेंट फैसिलिटी है जो मैंने आपको बताया था कि कहाँ पे इसको डिस्चार्ज किया जाएगा वो सिर्फ तीन है सिर्फ दो है तो बहुत ज़्यादा जो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन है डिसीज का जो वेस्टेज होते हैं जो कचड़ा उठाने वाले जो कबाड़ी होते हैं या जो मैनुअल स्केवेंजर होते हैं उनको नहीं पता रहता कि ये किस टाइप का इसमें वेस्ट है किस टाइप का इसका इम्पैक्ट पड़ेगा उनकी हेल्थ पर वो कुछ भी उठा लेते हैं अपने हिसाब से तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ जाएगा तो ये चीज़ें जो आपके ब्लड डोनेशन कैंप लगते हैं सर्जन

इसमें जो रिपोर्ट आई थी जो हम पढ़ इसलिए रहे हैं कि अभी कोविड नाइन्टीन के टाइम पे काफी ज्यादा क्या है ये जो बायोमेडिकल वेस्ट है बहुत ज्यादा बढ़ गया है इन चार राज्यों में जिसमें से बोला बायोमेडिकल वेस्ट खासकर जो दिल्ली में वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है लेकिन जो इनका तरीका है इसको ट्रीटमेंट को हैंडल करने का वो काफी अनपैथेटिक है वो काफ़ी अच्छा नहीं है ठीक है तो ये इसमें बोला गया हमारा बायोमेडिकल वेस्ट में ठीक है बायोमेडिकल वेस्ट की डेफिनेशन क्या है ये कल भी मैं बताया था कि जो भी वेस्ट जनरेट होता है आपका टेस्ट करने में डायग्नोस करने में ट्रीटमेंट करने में आपको इम्यूनाइजेशन करने में या कोई भी और अदर मेडिकल प्रोसीजर में चाहे वो इंसान पे किया गया हो चाहे वो जानवर पे किया गया हो वो किस कैटेगराइज में आता है बायोमेडिकल वेस्ट पे आता है नेक्स्ट हमारा जो आज का टॉपिक है वो है इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर ये हर साल मनाया जाता है सोलह सेप्टेम्बर को तो इससे पता पड़ गया हम सितंबर के मंथ में आ गए सेप्टेम्बर ट्वेंटी ट्वेंटी हम कर रहे हैं आज हमारा सितंबर खत्म होगा जो हमारी कल की क्लास होगी वो अक्टूबर से दिसंबर तक की क्लास होगी ठीक है आज भी अक्टूबर का कुछ एक दो न्यूज है इसमें बाकी कल हमारा अक्टूबर से दिसंबर ये पूरा कवर हो जाएगा ठीक है तो इंटरनेशनल डे फॉर द प्रजर्वेशन फॉर ओजोन लेयर जो है हर साल 16 तारीख को मनाया जाता है ताकि ये बता सकें कि जो ओजोन लेयर है वो धीरे धीरे क्या हो रही है हमारी डिप्लीट हो रही है अभी कोरोना टाइम में थोड़ी ओजोन का जो होल है वो हमारा कम कम हो गया था ओजोन का कहीं ना कहीं क्योंकि गैसेस रिलीज होना बंद हो गई थी जो सी एफ सी और एस सी एफ सी जो गैसेज होती हैं वो कम रिलीज होना स्टार्ट हो गई थी तो ऑटोमेटिक जो ओजोन होल है वो बंद होने लगा था अभी जो ओजोन होल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था वो धीरे धीरे कम हो रहा था तो ओजोन होल बेसिकली क्या है कि ओजोन होल वैसे तो अच्छा है कोई दिक्कत नहीं एक गुड ओजोन भी बोलते हैं एक को बैड ओजोन भी बोलते हैं तो जो बैड ओजोन होता है वो जब हमारे अर्थ पे आ जाता है गुड ओजोन जो हमारा ऊपर जो रहता है ट्रोपोस्फियर में रहता है तब तक बढ़िया लेकिन जैसे ही वो अर्थ पे आ जाता है वो कहीं ना कहीं दिक्कत में आ जाता है ठीक है उसको हम डिस्कशन करेंगे सबसे पहले कुछ बेसिक चीज देख लें कि जो बीस का जो स्लोगन था वो था ओजोन फॉर लाइफ ओजोन फॉर लाइफ का नारा था 2020 वाला जो हमारा 16 सितंबर को जो मनाया गया और क्यों मनाया गया क्योंकि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 1994 को 16 सितंबर को ये दिन डेजिग्नेटेड किया गया है फिर यह जो इस साल जो मैंने कहा कि इस साल बहुत ज़्यादा टेंशन थी सारी चीज़ें थी लेकिन उसके अलावा एक कन्वेंशन था वियाना कन्वेंशन जिसको 35 साल हो होगा वो 1985 में आया था वियाना कन्वेंशन और 2020 में उसको 35 साल हो होगा उसके सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेशन का तो वो कहीं ना कहीं ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है फिर ओजोन लेयर जो मैंने कहा ओजोन लेयर बेसिकली जो हमारी मिलती है जो आपने जोग्राफी में पढ़ा होगा थर्मोस्फियर लेयर थर्मोस्फीयर के बाद जो स्टेटोसफियर जो लेयर होती है जो करीब करीब ये जो आपका थर्मोस्फीयर 30 से 40 किलोमीटर होता है मतलब अराउंड 50 किलोमीटर के आसपास ये स्टेटोस्फेयर की लेयर पाई जाती है हमारे अर्थ सरफेस से तो वहाँ पे ये पूरी स्टेटोसफियर की जो वो मिलती है और ये वहाँ पे ही हमारा पूरा का पूरा ये जनरेट होता है अब इसका जो केमिकल फार्मूला होता है ओजोन लेयर का वो ओ होता है तीनों ऑक्सीजन के इसमें आइटम्स होते हैं ये पहली बात आपको याद रखना और ये जो ऑक्सीजन होता है काफ़ी रिएक्टिव गैस होती है और ये कहीं ना कहीं ये जो यूवी जो अल्ट्रा रेडिएशन आती है जो हमारी वो स्प्लिट हो जाती है ओ टू प्लस ओ में ये पूरा पूरा जो डिसइंटीग्रेट हो जाता है ओ टू प्लस ओ में तो ये जो फ्री ऑक्सीजन एटम है ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हमारे लिए दिक्कत क्रिएट कर देता है ये कहीं ना कहीं कही क्रिएट कर देता है और उससे हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है जो वो मैंने कहा कि दो टाइप की ओजोन होती है एक बैड ओजोन होती है सॉरी हाँ बैड ओजोन आपकी ट्रोपोस्फियर में मिलती है वही मैंने आपको बोला कि जो स्टेटोस्फियर में जो मिलती है वो हमारी गुड ओजोन मिलती है वो ज़रूरी है एक हमें यूवी रे से प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं तो हम लोग सब दिक्कत में आ जाएंगे लेकिन जो हमारी ट्रॉपोस्फियर पे जो होती है बैड ओजोन लेयर वो कहीं ना कहीं दिक्कत होती है वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए एक दिक्कत वाली क्रिएट हो सकती है गुड ओजोन हमने का स्टेटोसफेयर में मिलती है वो हमारे लिए बढ़िया है इसको जो नापते हैं ओजोन लेयर को वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है उसको बोलते हैं डॉपसन यूनिट ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये बताता है कि कितनी अभी हमारे पास ओजोन की थिकनेस है ओजोन कितनी है हमारे पास अभी एटमोसफियर में इसको पूरा नापता है कौन डॉपसन यूनिट फिर ओजोन गैस का मैंने ये कहा कि कंटिन्यूसली क्या है इसका प्रोसेस चलता रहता है कि कभी ये बढ़ती है कभी ये कम होती है जिस हिसाब से सारी चीज़ें होती हैं उस हिसाब से लेकिन ये ट्रोपोस्फियर जो बैड ओजोन है ये इम्पैक्ट इसका हेल्थ पे क्या पड़ता है ये बेसिकली हमारे ये रेस्पिरेटरी सिस्टम या जो हमारा लंग इन्फेक्शन है उसको ये कहीं ना कहीं ख़राब कर देता है ठीक है और ये प्लांट और हमारी जो प्लांट जो सेंसिटिव प्ले जो प्लांट है उसकी ये लीव्स पे जाके बैठ जाता वो भी कहीं ना कहीं दिक्कत है और उनको जो फोटोसेंथिसिस की प्रॉब्लम है उसमें भी इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत है जो हमारे काम की चीज़ है वो है आपका ओजोन ओजोन होल तो ये है कि धीरे धीरे जब बढ़ता जाता है जो जो उसके जो पार्टिकल्स हैं सी एफ सी फ्लोरो क्लोरोबन या जो ब्रोमीन होते हैं ये सारे जितने भी ज़्यादा रिलीज होते हैं हमारे एटमोसफियर में उतना ही ज़्यादा ये ओजोन मालिकुल्स इन्वायरमेंट में जाएंगे और ही ज़्यादा वो क्या करेंगे में वो होल ज्यादा कर देंगे उसको हम ओजोन होल बोलते हैं लेकिन ओजोन से लड़ने के लिए जो मैंने कहा किस तरीके से जो ओजोन गैसेज होती हैं उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं उसको हम कैसे कम कर सकते हैं तो वो मैंने कहा कि सारी कंट्री ने अडॉप्ट कर लिया था 1985 में और 1987 में उस को इंप्लीमेंट करने के लिए एक प्रोटोकॉल लाए थे जिसका नाम

साल बाद यह हमारा एग्रीमेंट स्टार्ट हो गया था तो प्रोटोकॉल क्या है है, जो मैंने बताया? ग्लोबल एग्रीमेंट ये बाइंडिंग एग्रीमेंट है सब कंट्री को इसको मानना पड़ेगा जो भी इसकी जो इसकी रूल्स एंड रेगुलेशन है सबको इसके कमिटमेंट करना पड़ेंगे और यही मैंने कहा आपका कि ये जो इसके जो डिसीजन है ये सब चीजों पे क्या रहेंगे बाइंडिंग रहेंगे फिर उसके बाद 2016 मैंने कहा केगाली एग्रीमेंट लाया गया और केगाली एग्रीमेंट में और कहा गया कि जो इसमें गैस थी मॉनिटरल प्रोटोकॉल में एच वो इसमें एच हाइड्रोफ्लोरोकार्बन इसको भी अब क्या किया गया कि धीरे धीरे हमको फेज डाउन इसको बंद करना है तो ये सारी चीज़ें इसमें अब टारगेट दिए गए दो हज़ार तक 2045 तक हर कंट्री को अपने अपने हिसाब से टारगेट दिए हैं डेवलप्ड कंट्री डेवलपिंग कंट्री लीस्ट डेवलपिंग कंट्री हर एक को अपने अपने इंडिविजुअल लेवल पर एफर्ट्स करने हैं और धीरे धीरे इनको हाइड्रोफ्लोरो कार्बन को कम करना है क्योंकि हाइड्रोफ्लोरोबन गैस क्या है ये ओजोन को तो ओजोन का जो होल है वो तो कम कर रही है बट हाइड्रोफ्लोरो जो कार्बन है वो एक ग्रीन हाउस गैस है जिससे कहीं कही ना कहीं हमारा क्लाइमेट का जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है तो उन्होंने ये कहा कि हमें हाइड्रोफ्लोरोबन का भी अब क्या लाना पड़ेगा कोई अल्टरनेटिव लाना पड़ेगा नेक्स्ट हमारी न्यूज फर्स्ट वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट फर्स्ट वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट ये एक समिट हुई है पहली बार हुई है वर्ल्ड में सोलर टेक्नोलॉजी को रिलेटेड ठीक है इसको जो ऑर्गेनाइज किया वो याद रखना इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो मैंने आपको कल बताया था इंडिया और फ्रांस का ये ये बायलिट्रल था शुरू में लेकिन इसमें बोला गया था कि जितनी भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तक जितनी भी कंट्रीज हैं सब आएंगी लेकिन बाद में इसको बोल दिया गया कि जितनी भी यूनाइटेड नेशन की कंट्री आना चाहे सब आ सकती है इंटरनेशनल सोलर अलायंस में तो ये पूरी की पूरी एक टेक्नोलॉजी सबमिट हुई थी सेप्टेंबर मंथ में हुई थी ये कहीं नहीं हुई थी क्योंकि ये वर्चुअल हुई थी वर्चुअल समिट हुई थी ये वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट इसमें कई काफ़ी कंट्रीज आई थी लगभग लगभग डेढ़ सौ कंट्रीज आई थी इन सब ने अपना अपना बोला कि हम कैसे क्या कर रहे हैं सब ने अपना एक्शन प्लान दिया कि हम कैसे इसको और आगे बढ़ा सकते हैं जो हमारी सोलर एनर्जी है उसको हम कैसे और आगे बढ़ा सकते हैं ठीक है बेसिकली ये बात हुई थी इंडिया की तरफ से जो हमेशा जो एक इसमें सोलर एनर्जी में जो मिनिस्ट्री जाती है वो आपको याद रखना रहेगी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हमेशा इंडिया का रिप्रेजेंट करती है इंटरनेशनल सोलर लाइन्स क्या मैंने देखा एक इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट है जो शुरुआत में इंडिया और फ्रांस में था बाद में अब इसमें क्या कर दिया बाद में सारी कंट्री इसमें जोड़ दी गई हैं जो भी यूनाइटेड नेशन की जो कंट्री वो भी सारी जोड़ दी गई थी और ये बना कब था ये आउटकम था पेरिस मीट का 2015 की जो हमारी पेरिस क्लाइमेट मीट थी उसी के दौरान ये इंडिया और फ्रांस ने मिलकर इंटरनेशनल सोलर अलाइंस बनाया था नेक्स्ट हमारा प्रोजेक्ट डॉल्फिन इधर था किसी भी दोस्त को समस्या प्रोजेक्ट डॉल्फिन प्रोजेक्ट डॉल्फिन क्या है पहली बात तो जो एक डॉल्फिन के बारे में बता दूं ये हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल है नेशनल एक्वेटिक एनिमल है 2016 या 17 में इस पर क्वेश्चन पूछ चुका है कि इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन है तो वो हमारा डॉल्फिन है ये काफ़ी ये जो इंडिया में है ये बेसिन में एक हमारा जो गंगा बेसिन है ब्रह्मापुत्रा बेसिन है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिलती है ये इंडिया में गंगा काफ़ी ज़्यादा एक एशियन डॉल्फिन भी है काफ़ी ज़्यादा डॉल्फिन है लेकिन जो गंगा, गंगा डॉल्फिन जो हम कहते हैं वो गंगा में बहुत ज़्यादा मिलती है गंगा ब्रह्मापुत्रा की जो बेसिन एरियाज़ है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मिलती हैं लेकिन इनका कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इनकी भी हालत ख़राब है इनका भी बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है दिक्कत में आ रही हैं और तो ये ज्यादा दिक्कत में ये भी मैंने कहा जो जो डॉल्फिन होती है बेसिकली ये आपकी फ्रेश वाटर में पाई जाती है इसलिए रिवर्स में ज्यादातर मिलती है बाकी ओशन में भी मिलती है ठीक है तो रिवर और सी दोनों में मिलती हैं डॉल्फिन और इनको हमें कंजर्व करने के लिए ताकि ये कहें एक बहुत इंपॉर्टेंट हो हमारा टूरिज्म बहुत ज़्यादा इससे अट्रैक्ट हो सकता है तो ये एक हमारे इसी की तरफ जैसे प्रोजेक्ट टाइगर होता है प्रोजेक्ट एलिफेंट है प्रोजेक्ट रिनोसार है उसी हिसाब से प्रोजेक्ट डॉल्फिन भी स्टार्ट किया है सरकार ने ठीक है तो कहीं कही ना कहीं हमको बचाना है इस पूरी हमारे जो गेंगेटिक डॉल्फिन है एक हमारा नेशनल एनिमल है ये सारी चीजें क्योंकि अभी इसका जो स्टेटस है वो मैंने अभी आपको बताया है ये आपका इंडेंजर्ड स्पीशीज है ये आपका इंडेंजर्ड स्पीशीज है आयु की लिस्ट में तो ऑटोमेटिकली जो साइट्स है हमारा साइट्स के अपेंडिक्स वन में आ जाएगा ये ठीक है तो ये इंडेंजर्ड स्पीशीज है आयु की लिस्ट में जो हमारे प्रधानमंत्री ने उन्होंने अभी कहा था कि जिस हिसाब से हमारे बाकी के जो प्रोजेक्ट टाइगर चल रहे हैं उसी हिसाब से हमको चलाना है और उनका जो एक प्रोग्राम जो चल रहा है गंगा पे नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा उसमें उन्होंने कहा कि ये कहीं कही ना कहीं हमें इसके भी इनिशिएटिव लेना पड़ेंगे कि कैसे हम अपनी डॉल्फिन को बचा सकें तो इन्होंने पूरी बात बोली इसको पूरा का पूरा जो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है जो प्रोजेक्ट डॉल्फिन है इसको पूरा का पूरा जो मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट कर रही है वो कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ठीक है अब आते हैं कुछ गंगेटिक डॉल्फिन की बात कर लें तो जैसा ही मैंने बोला वो इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल है और ये अगर जितनी ज़्यादा रहती उतना वो हमारा मैरिन का जो हेल्थ है वो बताती हैं ठीक है ये कहाँ है जो भी हमारी ब्रह्मापुत्रा की ट्रिब्यूटरी है वहाँ मिल जाएंगी आपको वो जो है वो बांग्लादेश में हो नेपाल में हो इंडिया में हो यहाँ पे पूरा हमारा वहाँ मिलेंगी ठीक है और जो मैंने आपको बोला कि जो गंगेटिक रिवर डॉल्फिन है ये पूरे वर्ल्ड में इसकी चार स्पीशीज़ होती है फ्रेश वाटर की जिसमें से जो तीन है वो से रिवर में मिलती है ए, इंडस रिवर जो पाकिस्तान और इंडिया में है और तीसरी क्या है आपकी अमेजन रिवर जो आपकी साउथ अमेरिका में यहाँ पे आपका मिलता है ये बेसिकली इसकी जो और चीजें हैं 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 कि जो फाउंड होती होती टर्बुलेंट वाटर में मिलती जहां पे बहुत ज़्यादा फिशेस हैं उनको खाने के लिए वहां पे मिलती हैं ये ज्यादातर डीप वाटर में रहना पसंद करती हैं शैलो वाटर के आसपास में रहना पसंद करती हैं और ये वहां पर कोई भी करेंट नहीं हो चाहे कोई कोल्ड करेंट वार्म करेंट वहां पर कुछ भी ना तो ये ज़्यादातर वहाँ पे रहना पसंद करती हैं ठीक है तो ये बेसिकली उनकी थोड़े फिजिकल फीचर्स थे लेकिन थ्रेट ये आ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इनकी मैंने कहा हंटिंग हो रही है पोचिंग हो रही है इनका भी मेडिकल पर्पस में आ रहा है कई बार मछली को पकड़ने के चक्कर में नेट में ये भी आ जाती हैं जो मैंने आपको कहा चाइना जो बॉटम ट्रॉलिंग यूज़ कर रहा है बॉटम ट्रॉलिंग जो चाइना बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है उसकी बहुत मैकेनाइज बोट होती है मछलियों को पकड़ने के लिए लेकिन उस मछलियों की जगह पे जैसे मैंने ये कहा ना कि म, जो ये कहाँ मिलती हैं जहाँ मछलियाँ ज्यादा होती हैं ताकि ये खा सकें डॉल्फिन तो जो मछुआरे या जो मैकेज बोट्स होती हैं वो भी उसी एरिया में जाते हैं जहाँ मछली ज़्यादा होती हैं तो उस मछली को पकड़ने के लिए कभी कभी चक्कर में ये भी फंस जाती हैं तो ये भी उस हैबिटेट में नहीं आ पाती जब वो ये कोस्ट पर आ जाती हैं और इनकी डेथ हो जाती हैं आपने कई बार भी देखा होगा ये जैसे मैंने कहा आयु स्टेटस में जो इनका है इंडेंजर्ड है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर ये शेड्यूल uh, वन में है हमारे काफ़ी ज़्यादा इनके वो किए जा रहे हैं कंजर्वेशन स्टेटस किए जा रहे हैं कि हमें इसको कैसे बचाना एक तो मैंने कहा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में इनको बताया गया एक कंजर्वेशन प्लान बनाया हमने दस साल के लिए कि हमें इसको कहीं ना कहीं बचाना है पूरा हमारा तीसरा है कि हमने उसको नेशनल एक्टिविक एनिमल का दर्जा दिया 2009 में ताकि एक लोगों में एक इमोशनल अपील आ जाए कि हमारा एक नेशनल एनिमल है इसको हमें कुछ नहीं इसको हमें कहीं ना कहीं कंजर्व करना है फिर है दोस्त हमारी अगली न्यूज वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर ट्री वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर ट्री है ये सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट दुर्गापुर में बना है ये दुर्गापुर आपका छत्तीसगढ़ है तो यहाँ पे ये बना है वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट सोलर ट्री ठीक है ये ट्री कैसा दिखता है ये देख लीजिए ये ट्री है ये पूरे सोलर पैनल लगे हुए हैं इसमें ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट ट्री है जो इंडिया के छत्तीसगढ़ के दुर्गापुर में इसके की फीचर्स क्या है वो आपको याद नहीं रखने कि इसके कितनी इंस्टॉल कैपेसिटी है सारी चीजें याद नहीं रखनी है ये बेसिकली आपको ये याद रखना है कि अगर कहीं पूछ ले वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर ट्री कहाँ है तो आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि वो आपका आ, इंडिया में है और इंडिया के आपके छत्तीसगढ़ के दुर्गा पैनल में बस आपको सिर्फ इतना याद रखना है फिर एक और है आज जो हमारी न्यूज one world, one sun, one grid, object, uh, project, है आज की व्हाट इज वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रीड प्लान ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट सॉरी इसका शॉर्ट फॉर्म है वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रीन वन ग्रीड तो इसमें कुल मिला ये बोला है सोलर एनर्जी की बात बोली कि हमारा दुनिया एक है सन भी एक ही है और एक ही हमें ग्रिड करना है ये मोदी जी का प्लान था इंडिपेंडेंस डे में उन्होंने बोला था कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जैसे चाइना कर रहा है वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव पूरे वर्ल्ड को जोड़ रहा है अपने इकोनॉमिक उससे तो हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए तो उन्होंने कहा कि हम जो सोलर एनर्जी है उससे हम कहीं ना कहीं एक ग्रिड बना सकते हैं ग्रिड मतलब कि हर कंट्री उससे जुड़े मान लीजिए यह ग्रिड बन गई यहाँ पे एक सोलर ग्रिड बन गई तो यहाँ पे हर कंट्री जुड़ी हुई है हर कंट्री है सारी कंट्री जुड़ी है ऐसी पूरी वर्ल्ड की सारी कंट्री जुड़ी जाए क्योंकि उनके हिसाब से क्या है एक ही वर्ल्ड है और सब में कॉमन एक ही क्या है सन है तो सन की रोशनी सब जगह जा रही है तो हम अलग अलग उसको क्यों कहीं ना कहीं स्टोर कर रहे हैं कहीं ना कहीं उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम एक जैसा ही सारा चीज़ कर सकते हैं हमारी जो सोलर एनर्जी है हमें एक साथ क्या कर सकते हैं पूरे वर्ल्ड में हम क्या कर सकते हैं इसको सप्लाई कर सकते हैं अगर हमारी कॉमन ग्रेड हो जाए तो, तो ये आ, ये हो भी सकता है क्योंकि ये जो प्लान है ये काफी ज्यादा इंडिया ही उसको फॉर्मुलेट कर रहा है इंटरनेशनल सोलर भी इंडिया ने कई बार बोला है है कि कि जैसे कि जो वर्ल्ड उसी हिसाब से हम ये कर सकते हैं और इंडिया में काफी ज्यादा प्रोग्राम चलाए भी जा रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी के चलते तो इससे क्या होगा इंडिया भी अपने जो आई एन डी सी टारगेट हैं जो पैरिस मीट के वो भी अचीव कर सकता है और जो भी कंट्री इससे जुड़ रही है वो भी कहीं ना कहीं इसमें जुड़ सकती हैं तो काफी ज्यादा कंट्री हैं जो अभी इसमें साथ आ भी रही है ऑस्ट्रेलिया और बहुत सारी उस्ट एशियाई कंट्री है जो इसमें जोड़ रही है ठीक है इंडिया की तरफ से उस पे पूरा प्लान बना रहा है तो कर सकते हैं टेक्निकल है असिस्टेंस है? uh, दे रहा है याद रखिए फंड नहीं कर रहा है सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल असिस्टेंस कर रहा है ताकि ये प्रोजेक्ट बहुत जल्दी से जल्दी आ जाए तो इसमें अभी जो ऊपर ऊपर कहा गया है कि तीन फेज का ये प्लान रहेगा सबसे पहले हम इंटरकनेक्टिविटी करेंगे एशियन कॉन्टिनेंट में फिर हम अफ्रीका में जाएंगे फिर हम पूरे वर्ल्ड में जाएंगे सबसे पहले एशिया कवर करेंगे फिर अफ्रीका कवर करेंगे फिर हम पूरा का पूरा ग्लोबली हम एक ग्रिड बनाएंगे तो ये इसके तीन फेस हैं अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ अभी सिर्फ इस पर बातचीत चल रही है नेक्स्ट हमारी न्यूज़ हाइड्रोजन सीएनजी हाइड्रोजन कम्प्रेस नेचुरल गैस जैसे आपको पता है कि ग्रीन एनर्जी है हाइड्रोजन एनर्जी है हमारा जो हम बोलते हैं ग्रीन फ्यूल ही हमारा आने वाले टाइम की एनर्जी है तो हमें इसको कहीं ना कहीं कंजर्व करना है और इसी को हमें प्रमोट करना है दिल्ली में इसकी बसेस भी चलाने लगे हैं हाइड्रोजन सी की और ये बहुत ज़्यादा क्लीनर फ्यूल है इकोनॉमी भी बहुत सस्ता पड़ता है चीप पड़ता है और इस पर पॉल्यूशन भी ज़्यादा नहीं होता इंजन की लाइफ भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती जो गाड़ियों के इंजन रहते उसमें से भी जो धुआं निकलता वो भी कम निकलता है मतलब विन विन सिचुएशन है सबके लिए के लिए भी इंडिविजुअल के लिए भी कंपनीज के लिए भी और इसमें बहुत ज्यादा नए क्या हो सकते हैं स्टार्टअप इनोवेटिव भी हो सकते हैं कि हम कैसे इसमें बहुत ज्यादा चीजें को और ला सकते हैं कहां कहां हम इस टेक्नोलॉजी को और